ओके, रिज्यूम द लेक्चर। चलिए जी। यस सर। तो अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपके पास सिर्फ दो तरह के रेजिस्टेंसेस हैं, या आपके पास आर हैं या टू आर के इक्विवेलेंट है। तो जो हमने इससे पिछली समर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की थी, जिसकी हमने कल क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया था, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में आपने देखा था कि हमें इसकी मल्टीपल टाइप्स रिक्वायर्ड थी, क्योंकि आपकी हर एक रेजिस्टेंस प्रीवियस वन की डबल थी। ठीक है, तो काइंडली आप अपनी वॉइस को भी म्यूटेड रखें क्वेश्चन आंसर की आवाज नहीं आ रही। सर आर की रे बेटा, अभी अपनी वॉइस आप जो है वो ऑफ रखें, एंड पे होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता रहा था कि आपके पास ये 4 बिट का अगर नेटवर्क है या 4 बिट का कन्वर्टर है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज हैं वो आर या टू आर हैं, और ये केस सेम रहेगा अगर आपके पास ये नेटवर्क एक्सटेंड होके लेट से आप 10 बिट का भी कन्वर्टर बना रहे हैं, तो तब भी आपके पास जो रेजिस्टेंसेस की रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी वो आर और टू आर के इक्विवेलेंट ही होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे इस स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है उसे। ओके, अब हम इसका एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। इसके एनालिसिस को अगर हमने कंटिन्यू करना है, तो उसको कंटिन्यू करने से पहले एक जनरल सी इक्वेशन हम देख लेते हैं कि अगर आप ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस पर्टिकुलर केस में आपके पास रेजिस्टेंसेस जो होंगे वो या आर होंगे या टू आर के इक्विवेलेंट ही होंगे। अब हमने इसमें ये देखना है कि हमारे पास बेसिकली जो टोटल रेजिस्टेंसेस हैं वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क में कितने लगेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंसेस जो आपके n बिट केस में होंगे दे वुड बी इक्विवेलेंट टू 2n। ठीक है, यानी अगर आपका 4 बिट का कन्वर्टर है तो आपके पास 2 × 4 = 8 टोटल रेजिस्टेंस होंगे, जिनमें से n प्लस 1 रेजिस्टेंसेस जो होंगे यानी 5 रेजिस्टेंस आउट ऑफ 8, अगर मैं n4 अज्यूम करता हूं तो दे वुड बी इक्विवेलेंट टू 2r, एंड n माइनस 1 यानी 3 रेजिस्टेंसेस आउट ऑफ देम वुड बी इक्विवेलेंट टू वैल्यू आर। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने रेजिस्टेंसेस होंगे इस स्ट्रक्चर में, टोटल रेजिस्टेंसेस वुड बी इक्विवेलेंट टू 2n, और अगर हम n को अज्यूम करें टू बी 4, सो दिस मींस टोटल रेजिस्टेंसेस वुड बी इक्विवेलेंट टू 2 × 4 यानी 8, एंड आउट ऑफ दीज 2n रेजिस्टेंसेस n प्लस 1 रेजिस्टेंसेस वुड बी ऑफ द वैल्यू 2r, एंड n माइनस 1 रेजिस्टेंसेस वुड बी ऑफ द वैल्यू r, और अगर आप इन दोनों को सम कर दें तो ये सम आपके पास 2n बन जाता है। अब अगर आप n इज इक्वल टू 4 अज्यूम कर रहे हैं, तो दिस मींस 4 प्लस 1 5 रेजिस्टेंसेस वुड बी ऑफ द वैल्यू 2r, एंड 3 रेजिस्टेंसेस वुड बी ऑफ द वैल्यू r। इस चीज को आप जो ऊपर सर्किट ड्रॉ हुआ है उससे देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इस सर्किट को देखें तो इस पर्टिकुलर सर्किट में आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 resistances 2R की value के हैं, and 1, 2, 3, 3 resistances आपके पास R value के हैं, और total resistances 8 हैं। तो जो general equation है ladder based network की वो ये है कि आपके पास total resistances 2N होंगे, और case उसमें से n plus 1 2R होंगे और n minus 1 R के equivalent होंगे। Okay, now ये example जो है उसी particular network के लिए explained है, ये मैंने आपको explain कर दी already। अच्छा, अब जो हमारी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी समर सर्किट बेस्ड, और जब वो समर सर्किट बेस्ड थी तो उसका एनालिसिस भी जो मैंने कराया था और जो कल की क्लास में हमने उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व की थी, वो सारा का सारा बेस्ड था ऑन द वैल्यूज ऑफ करंट्स, यानी हमारे जो डिजिटल इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग करंट्स थे वो सम अप होते थे,
और सम अप होने के बाद वो फीडबैक रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होके आउटपुट वोल्टेज जनरेट करते थे। वो हमने आउटपुट वोल्टेज स्टेयर केस जो है वो कल ड्रॉ भी की थी, जिसपे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन कल पूरा का पूरा बेस्ड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल हो रहा होगा वो बजाय करंट से यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ इनपुट वोल्टेज कंट्रोल होगा, और वो इनपुट वोल्टेज जो जनरेट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी आपके टोटल इनपुट बिट्स के, यानी इनपुट बिट्स जो है वो सर्किट का इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करेंगी और फिर इनपुट वोल्टेज जो है वो आउटपुट वोल्टेज को डिराइव करेगा। ठीक है, तो अब इसमें एक थोड़ा सा और भी डिफरेंस है आर टू आर, ये बात रिपीट कर दें, जो कल की हमारी क्लास थी जिसमें हमने समर बेस्ड नेटवर्क पढ़ा था विच वॉज एनालॉग कन्वर्टर, उसमें बेसिकली आपका जो सारा का सारा सर्किट का वो बेस था ऑन द वैल्यूज ऑफ करंट, हर इंडिविजुअल इनपुट जो है उसके करेस्पॉन्डिंगली हम करंट देख रहे थे, और उस करंट जो जनरेट हो रहा था उन करंट्स को सम अप करके आपका इनपुट करंट बनता था, और वो इनपुट करंट जो है वो आउटपुट वोल्टेज को डिराइव कर रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने लिखा था कैपिटल आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, एंड देन कैपिटल आई वाज इक्वल टू आई प्राइम, और उससे फिर आपका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में करंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसमें इनपुट के ऊपर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, और जो इनपुट पे वोल्टेज कैलकुलेट होगी दैट वुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बाइनरी इनपुट बिट्स, और वो बाइनरी इनपुट बिट्स अगर वेरी होंगी तो आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो भी वेरी करेगा, और जब इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब इस सर्किट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें तो यहाँ इस सर्किट में जो कॉन्फ़िगरेशन ऑपएम्प की कनेक्टेड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास जो ये रेजिस्टिव नेटवर्क है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर आपके पास फीडबैक पाथ कनेक्टेड है, और ये फीडबैक पाथ आपका शॉर्टेड है। ठीक है, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जो है उससे शॉर्ट हुआ हुआ है, या नेगेटिव टर्मिनल के साथ शॉर्ट हुआ है, और यू कैन से कि फीडबैक पाथ जो है वो आपका उसकी रेजिस्टेंस जो है वो जीरो है। अब अगर आप इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस करना चाहें कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से काम करती है, तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन आपके पास नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इस पे इनपुट वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है, और जो आपकी नेगेटिव साइड है उस पे आपके पास ग्राउंड कनेक्टेड है। ठीक है, और फीडबैक भी नेगेटिव के ऊपर कनेक्टेड है, सो दिस इज नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। इसका अगर आप एनालिसिस करें तो जो यहाँ से आपका करंट जनरेट हो रहा है जिसको आप इनपुट करंट कह सकते हैं, दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर वोल्टेज कैपिटल वी कनेक्टेड है तो नेगेटिव पे भी कैपिटल वी ही अपेयर होगा ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, एक टर्मिनल पे जो इनपुट आ रही होती है वही दूसरे पे भी अपेयर होती है। तो अगर यहाँ वोल्टेज कैपिटल वी आ रही है तो आपका ये जो करंट मैंने लेबल किया है ये करंट कैलकुलेट होगा एज जीरो माइनस वी डिवाइडेड बाय आर वन, तो ये आ जाएगा माइनस वी डिवाइडेड बाय आर वन, और जो करंट आउटपुट की तरफ ट्रेवल कर रहा है वो आ जाएगा वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय आर टू। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ गई वी माइनस जी सर जी बोले सर, बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप एंड, हेलो आप एंड पे पूछेंगे, अभी लेक्चर कंटिन्यू होगा। ओके, इसमें हम जब एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि आपका जो कैपिटल इनपुट है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो आप वर्चुअल शॉर्ट के जरिए जो नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कंसिडर करेंगे वो भी कैपिटल वी ही होगा, और आपके पास जो इनपुट करंट है उसकी इक्वेशन बनेगी जीरो माइनस वी डिवाइडेड बाय आर वन, और जो आउटपुट वोल्टेज की तरफ करंट जा रहा है उसकी इक्वेशन बनेगी वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय आर टू। तो ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का एनालिसिस है। इसको अगर आप रीअरेंज कर लें तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस आर टू डिवाइडेड बाय आर वन इंटू वी। ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपने ऑलरेडी किया।
अब सिर्फ सर करना, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने करना है कि जो आपका फीडबैक पाथ है उसकी रेजिस्टेंस के जीरो है, जैसे मैंने आपको दिखाया सर्किट में फीडबैक पाथ शॉर्ट हुआ हुआ है, यहाँ पे आपने सिंपली आर टू को जीरो प्लग इन कर देना है। इस इक्वेशन में आप आर टू को जीरो प्लग इन अगर कर दें तो वी नॉट और वी जो इनपुट वोल्टेज है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दिस मीन्स कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो इस वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल पे अपेयर हो रही है। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वोल्टेज फॉलोअर, यानी जो इनपुट पे आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही आउटपुट पे आएगा। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यस सर। सर इसमें नॉन इनवर्टिंग क्यों कर रहे हैं हम? नॉन इन्वर्टिंग का फायदा हमें इसमें यह है कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपकी जो वोल्टेज है वो ड्राइव करती है सर्किटरी को। इन्वर्टिंग में ये था कि करंट ड्राइव कर रही थी, तो यहाँ आर टू आर लेडर में वोल्टेज की हेल्प से हमने क्योंकि सारी कैलकुलेशन करनी है इसलिए हम इसमें नॉन इन्वर्टिंग। ओके, अब हम आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ। ये तो हमने डिटर्मिन कर लिया कि ये वोल्टेज फॉलोअर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज जनरेट होगा वही आपका आउटपुट वोल्टेज बनेगा। अब हमें देखना है कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पे वोल्टेज क्या जनरेट होगी, उसको हम देखेंगे डिफरेंट केसेस के लिए। यानी पहले हम D3 को सेट करेंगे, बाकी सब बिट्स को लो रखेंगे, फिर हम D2 को सेट करेंगे, बाकी सबको लो करेंगे, फिर D1 एंड एंड पे हम D0 को सेट करेंगे। तो केस वन हमारा ये है कि D3 इज हाई एंड ऑल द अदर बिट्स आर लो, ठीक है। तो अब इस D3 को हाई करते हुए और जो आपका वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको मैंने नाम दे दिया VX का, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को मिलेगा। तो बेसिकली हमारा मैकेनिज्म अभी ये है कि हम हर केस के लिए VX कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यानी अगर D3 सेट होता है तो VX की क्या वैल्यू होगी, जब D2 सेट होता है तो क्या होगी, जब D1 एंड फाइनली जब D0। जब हमारे पास चारों के अगेंस्ट VX आ जाएगा फिर हम आगे का एनालिसिस करेंगे कि आगे किस तरह से ऑपरेशन डिफाइन करना है। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन योर D3 इज सेट, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज सेट। तो यहाँ जो बिट सेट है उसके साथ मैंने प्लस वी वोल्टेज कनेक्ट कर दिया और बाकी तीन जो जीरो हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे ग्राउंड जो है वो शो कर दिया। तो यानी D3 के करेस्पॉन्डिंग मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया है और बाकी तीनों को मैंने जीरो कर दिया। तो अब जो हमारे पास नेटवर्क बच गया वो ये आपके पास नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को आपने क्या करना है, इसको आपने रिड्यूस करना है। इसको अगर आपने रिड्यूस करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट मोस्ट साइड से हम स्टार्ट लेंगे। लेफ्ट मोस्ट साइड से अगर आप देखें तो ये दोनों 2R और 2R जो है ये दोनों आपके पास पैरेलल में आ रहे हैं, ऐसे ही है। Yes, sir. ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस जब हमारे पास पैरेलल में आ रहे हैं तो इन पैरेलल और इक्वल रेजिस्टेंसेस को आप जब सॉल्व करेंगे तो जब आपके दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में सॉल्व होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो दिस मींस इन दोनों रेजिस्टेंसेस 2R और 2R को जब आप पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास R के इक्विवेलेंट आएगा। तो इन जी सर काइंडली अगर आप इसको साथ रिकॉर्ड पर भी लगा के रखें क्योंकि बहुत सी जगह पर आपकी आवाज नहीं आती, बीच में कट जाती है। रिकॉर्डिंग हो रही है? चलें ठीक होगा सर, थैंक यू। अच्छा, अब ये दोनों 2R के जो रेजिस्टेंसेस हैं ये पैरेलल में सॉल्व होके R में कन्वर्ट हो गए और वो R इस कैपिटल R के सीरीज में अपेयर हो गए। सो दिस मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपिटल R और ये वाला कैपिटल R ये दोनों सम अप होके अगेन 2R बन जाएंगे। जब ये दोनों 2R बन गए तो दिस मींस अब ये 2R और ये 2R अगेन पैरेलल में आ जाएंगे। जब ये दोनों अगेन पैरेलल में आ गए तो दिस मींस इन दोनों का इक्विवेलेंट अगेन कैपिटल R के इक्विवेलेंट आ जाएगा और फिर ये कैपिटल R के इक्विवेलेंट जब आ जाएगा तो वो इस R में ऐड हो जाएगा। दिस मींस अब आपके पास दोबारा यहाँ जो रेजिस्टेंस फॉर्म होगी वो 2R की फॉर्म हो जाएगी और फिर वो 2R और ये 2R दोनों पैरेलल में सॉल्व होंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कैपिटल R आ जाएगा और फिर वो कैपिटल R इस R के साथ सीरीज में अपेयर होगा और फाइनली आपके पास यहाँ पर 2R का रेजिस्टेंस आएगा। तो ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, स्टेप नंबर 1 से लेकर स्टेप नंबर 6 तक आप देख सकते हैं, ये लिखे हुए हैं।
अब जो फाइनल आपके पास नेटवर्क बच गया वो बच गया 2R और 2R पैरेलल में है और यहाँ पर प्लस V कनेक्टेड है और यहाँ पर ग्राउंड है. अब आप Vx सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं. Vx इज बेसिकली द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2R रेजिस्टेंस. तो अब आप क्या करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज है सीरीज में और आपने इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज फाइंड आउट की वही आपकी Vx बनेगी. तो आप वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, तो वोल्टेज डिवाइडर में क्योंकि आपकी दोनों रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट हैं तो आपके पास दोनों के क्रॉस वोल्टेज हाफ अपीयर होती है. तो दिस मींस इस केस में आपके पास वोल्टेज Vx इज इक्विवेलेंट टू V बाय 2 आ जाएगी. ठीक है, तो यानी हमने पहला केस कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन कर ली कि अगर आपके पास D3 हाई होता है तो आपके पास सर्किट रिड्यूस होते होते इस फॉर्म में आएगा और आपके पास Vx की वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज आ जाएगी. यानी अगर आपने हाई के लिए वोल्टेज 5 सेट की हुई है तो ये वोल्टेज 5 बाय 2 आ जाएगी. अब हम आ सकते हैं केस 2 पे. केस 2 इज व्हेन द इनपुट इज 0100. This means के D3 is low. सर इसमें ये V क्या है सर? सर Vx तो पता लग गई, इसमें V वो है जो apply की हुई है उस पर voltage हमने. Apply की हुई है. अगर आपने D3 को set किया हुआ है, this means V is 5 volts. ठीक है, high voltage के लिए 5 volt होता है. तो इसको भी हमने general ले लिया मैंने भी. अब next जो case है, इसमें आपके पास D3 भी low हुई है, D2 high हो गया और D1 और D0 still low हैं. तो उसके accordingly मैंने ये जो हमारा रेजिस्टर था इसके ऊपर वोल्टेजेस अप्लाई कर दी, बाकी सब कुछ जीरो कर दिया, सिर्फ जो D2 था उसको मैंने V सेट कर दिया. अब अगेन आपने जब इस सर्किट को रिड्यूस करना है तो ये सर्किट यहाँ इस पॉइंट तक उसी तरह से, यानी ये दोनों 2R जो हैं ये पैरेलल में सॉल्व होके कैपिटल R हो जाएंगे और ये कैपिटल R इस R के साथ सीरीज में सॉल्व होके 2R हो जाएगा. अगेन ये 2R और 2R सॉल्व होके पैरेलल में कैपिटल R आ जाएंगे और ये कैपिटल R और ये कैपिटल R ऐड होके 2R आ जाएंगे. ये स्टेप्स यहाँ पर करिस्पोंडिंगली मैंने लिख दिए और ये हमारा सर्किट रिड्यूस होके आ गया कि जो सारा लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट था वो रिड्यूस होके और सॉल्व होके हो गया 2R और ये हमारा जो वोल्टेज D2 वाला है वो है और ये उसके साथ जो 2R रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये वो है और ये वाला जो नेटवर्क है ये D0 वाला नेटवर्क है. ठीक है, तो आपका ये जो टोटल नेटवर्क था ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड से सॉल्व करना शुरू किया और सॉल्व होते होते रिड्यूस होके आपके पास इस पॉइंट पे आया. अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पॉइंट के ऊपर ये जो मैंने नोड हाईलाइट की हुई है इस पॉइंट के ऊपर अगेन थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करना है. थेवेनिन थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली आप V Thevenin और R equivalent find out करते हैं. V Thevenin हम इस point पे calculate करें जो आपकी ये highlighted node है. यहाँ पे जब मैं V Thevenin calculate करूँगा तो basically तो मैं series consider करते हुए voltage divider से V Thevenin calculate कर लूँगा. तो वो मेरे पास calculate होके V Thevenin जो है वो ये circuit मैंने जितना जिसको हम Thevenize करें तो अलग से draw कर दिया. ये जो आपका सर्किट है इसको मैंने रीड्रॉ किया ताकि आपको इसकी थेवेनाइजेशन जो है वो क्लियर हो जाए. तो अब ये देखते हैं कि इसको हमने किस तरह थेवेनाइज किया. ये उसकी मैंने सिर्फ उसको रोटेट कर दिया ताकि विजुलाइजेशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाए. तो अब हम क्या करें, अब हम इस पॉइंट पे वी थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे हैं और हम आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं. इस पॉइंट पे जब हम वी थेवेनिन फाइंड आउट तो वो सिंपली V Thevenin would be equivalent to V by 2 क्योंकि दो equivalent resistances सीरीज में हैं और आप A के across voltage draw find out कर रहे हैं voltage divider से वो half आ जाएगा. V Thevenin would be by 2 और जब आपने R equivalent find out करनी है तो R equivalent के लिए आप इस source को suppress कर देंगे. तो अब ये दोनों resistances एक node ये share कर रही हैं और ये दोनों की ground है. तो दिस मींस ये 2R और 2R रेजिस्टेंस पैरेलल में अपीयर हो रही है. तो इसका मतलब ये पैरेलल में सॉल्व होके इनका R इक्विवेलेंट जो आएगा वो कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो अब आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया V by 2 और R इक्विवेलेंट आपने फाइंड आउट कर लिया कैपिटल R के बराबर और आप इस सर्किट को जो आपने V थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला है इसको अपने सर्किट में वापस पैच कर दें. तो जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो हमेशा और R equivalent में आप कनेक्ट कर देते हैं.
क्या किए थे हमारे पास इक्विवेलेंट टेम्पलेट किया और इक्विवेलेंट हुआ था उसको हमने सीएनएन कनेक्ट किया बाकी के नेटवर्क पे गया था साथ। तो अब ये जो सर्किट था डॉटेड और हाइलाइटेड सर्किट है इसको हमने ऑर्गेनाइज किया और जो बाकी सर्किट हमारे पास रह गया था ये आर टू आर ग्राउंड का पार्ट इसके साथ हमने क्योंकि सर सर ये सबको म्यूट कर ऐसा ये आवाज सही नहीं आ रही आपको कट रही है हेलो सर जी जी सर ये सब को म्यूट कर दें सर ये कोई खड़ खोर बात नहीं आ रही सर इनसे वो डिस्कशन जा रही है ओके आई एम म्यूटेड एवरीवन ओके अब हमारे पास जो रिड्यूस होके सर्किट बच गया वो ये सर्किट बच गया जिसमें आपके पास वी थेवेनिन और आर इक्विवेलेंट सीरीज में कनेक्ट हो गए और बाकी सर्किट्स के साथ आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद अगेन ये आर और ये आर दोनों जो है ये सम अप हो जाएंगे और ये फर्दर बन जाएंगे आपके पास टू आर ठीक है। तो अब ये जब आपके पास टू आर बन गया तो अगेन इनको आप पैरेलल में सॉल्व कर सकते हैं तो पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व वगैरह पैरेलल में सॉल्व करने की सॉरी जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक सोर्स ये है और उसके साथ दो रेजिस्टेंसेस हैं वोल्टेज डिवाइडर लगाएं सिंपली टू कैलकुलेट वी एक्स बिकॉज वी एक्स वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस दिस टू आर रेजिस्टेंस तो आपके पास ये आ जाएगा वी एक्स इज इक्वलेंट टू वी बाय फोर क्योंकि सीरीज सर्किट है दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो आपके पास दोनों रेजिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज का हाफ कंज्यूम करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा वी बाय फोर। Next case is the case 3 when your input sequence this is 0010 ये मैंने यहाँ mistake की हुई है this is 0010 यानी आपके पास D2 जो set है और बाकी remaining bits आपकी low है तो अब मैंने इस circuit के ऊपर इन bits को apply कर दिया as 0010 और फिर अब मैं इस circuit को solve करना start करता हूँ। अब again जो मेरे पास left hand side of the circuit है उसको reduce करें यानी आप 2R और 2R को पैरेलल में सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा इक्वलेंट टू कैपिटल R और फिर उस कैपिटल R को इस कैपिटल R में ऐड कर दें तो आपके पास रिड्यूस होके ये पूरा सर्किट आपके पास रिड्यूस होके एक 2R की रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए तो अब आपके पास सर्किट जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो रिड्यूस होके सिर्फ रह गया 2R के इक्वलेंट। तो अब इस सर्किट से आगे जब आपने सॉल्व करना है तो अगेन अब हम हेल्प लेंगे थेवेनिन थ्योरम की। यहाँ पे हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। जब हमने इसको थेवेनाइज किया तो अगेन इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से पिछले केस में हमने किया था कि जो V थेवेनिन आएगा वो आ जाएगा V बाय टू और जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा कैपिटल R के बराबर। तो दिस मीन्स ये मेरे पास रिड्यूस होके सर्किट जो है ये बन गया V बाय टू और कैपिटल R के और फिर आप इस कैपिटल R और इस कैपिटल R को ऐड कर दें तो ये 2R बन जाएगा। तो दिस मींस अब ये सर्किट बन गया V by 2, 2R और दिस रिमेनिंग सर्किट। अब आप इस नोट पे रहते हुए जहां मैंने हाईलाइट किया हुआ है अगेन इसको थेवेनाइज करेंगे। जब आप इसको अगेन थेवेनाइज करेंगे तो ये सर्किट रिड्यूस होके V by 4 और कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। इस पॉइंट पे जब आप थेवेनाइज करेंगे तो ये 2R और 2R का रेजिस्टेंस है तो आप बेसिकली वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करें जब आप V थेवेनिन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दिस मींस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज फाइंड आउट करना है बाकी दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं आपके पास तो इसका मतलब है कि आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका हाफ जो है वो यहाँ अपेयर होगा और अप्लाइड वोल्टेज इज V बाय 2 तो यहाँ जो वोल्टेज अपेयर होगी वो V बाय 4 होगी। तो दिस मीन्स आप पर यहाँ पे वोल्टेज V बाय 4 आ गई और जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं आपकी 2R और 2R इनका जब आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे बाय सप्रेसिंग दिस V बाय 2 सोर्स तो ये 2R और 2R पैरेलल में सॉल्व होके अगेन ये कैपिटल R में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब रिड्यूस होके सर्किट आपका बन जाएगा V बाय 4 का सोर्स और उसके साथ सीरीज में कैपिटल R रेजिस्टेंस। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस सम अप होके 2R बन जाएंगी और बाकी सर्किट आपका सिर्फ बच गया V बाय 4 2R का रेजिस्टेंस ये है और 2R का रेजिस्टेंस ये है। अब आपने जब Vx फाइंड आउट करना है तो सिंपली इस 2R रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर लगा लें
क्योंकि सर्किट में दो ही रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड एक है, सेम है, तो अब आपका वोल्टेज फर्दर हाफ हो जाएगा और ये आ जाएगा Vx is equivalent to V by 8. तो अब जब आपके पास V by 8 आ गया वोल्टेज, तो दिस मीन्स Vx आपके पास V by 8 आ गया. लास्ट केस जो है इसको इसी तरह एग्जैक्टली आपने सॉल्व करना है और इसमें सेम वही पैटर्न फॉलो होगा जैसे जब हमने स्टार्ट किया था D3 से. तो D3 में मेरे पास Vx जो आई थी वो आई थी V by 2, और फिर जब मैंने D2 के जी सर ये थेवेनिन वाले स्टेप जो है ना ये रिपीट कर दें. कौन से केस में? लास्ट सर किसी में भी कर दें, किसी में भी करते हैं सर थेवेनिन वाले. अच्छा ठीक है, थर्ड में सेकंड थ्री में हम अगर वी थेवेनिन वाले को दोबारा देख लेते हैं. केस थ्री में अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास D1 सेट है और बाकी सारी की सारी बिट्स लो है. तो अगर आपके पास D1 सेट है तो इसका मतलब इस नोड पे वोल्टेज अप्लाइड है, बाकी तीनों जीरो है. अब आप लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस करना शुरू करें तो ये 2R और 2R रेजिस्टेंसेस पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगी और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल R, और वो कैपिटल R जो इन दोनों इक्विवेलेंट इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इस कैपिटल R के साथ सम हो जाएगा और ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 2R के बराबर. तो ये जो पूरा सर्किट है ये सॉल्व होके एक 2R के रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये आ गया आपके पास रिड्यूस होके सर्किट, पूरा का पूरा सर्किट आपने सॉल्व किया, ये 2R के इक्विवेलेंट आ गया. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर हेल्प लेनी है थेवेनिन थ्योरम की, और थेवेनिन थ्योरम की आप हेल्प लेंगे इस नोड के ऊपर, यानी आप इस नोड पे इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे और इस पर्टिकुलर नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. जब आपने इस नोड पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो बेसिकली आप वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प लेंगे, क्योंकि इस वोल्टेज के साथ ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है. तो आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करें तो V थेवेनिन आ जाएगा V by 2 के इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो आप इस वोल्टेज को सप्रेस कर दें तो 2R और 2R की रेजिस्टेंसेस ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में आ जाएंगी और ये पैरेलल में सॉल्व होके R इक्विवेलेंट जो है वो कैपिटल R के बराबर आ जाएगा. तो दिस मीन्स ये पूरा सर्किट रिड्यूस होके एक V by 2 के सोर्स और उसके साथ सीरीज में उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम ये आपके पास आ गया. तो ये V by 2 का सोर्स आ गया और ये R इक्विवेलेंट. उसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी और ये 2R बन जाएगी और आप फिर आगे थेवेनाइज फर्दर करते जाएंगे. तो थेवेनाइज करने के बाद ये वोल्टेज आपके पास V by 8 आ गई. तो लास्ट केस मैंने सॉल्व नहीं किया, लास्ट केस जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट छोड़ा है. इस असाइनमेंट को मैं अपलोड कर दूंगा, इसकी एक्सपायरी भी सेट कर दूंगा वहाँ क्लासरूम में, तो वहां से आप इसको देख के सबमिट कर देंगे. ठीक है सर. जी सर, वो सर आपसे इतनी बात की नहीं है, उसमें मैं 1:40 पे जब आपकी 12:40 पे जब आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना सर, 3 से 4 मरतबा वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है ना सर. आप अगर जो आपने 3 केस सॉल्व कराए हैं इनमें से कोई भी एक केस अगर आप एक दफा रिपीट कर दें, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं पता है. अच्छा चलिए, चार दफा लेक्चर वाला सेशन में एंड करूंगा तो फिर नया सेशन क्रिएट करके उसमें मैं एक आपको केस रिवाइज करा दूंगा. ठीक है, क्योंकि वैसे भी 40 मिनट का हमारे ऊपर लिमिटेशन होती है तो 40 मिनट्स पे मुझे एंड तो करना ही है. तो जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा मैं एंड कर दूंगा और फिर जब आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें मैं एक केस आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा. ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया. थेवेनिन वाला करा दें लास्ट वाला. कौन सा लास्ट वाला? सही है थेवेनिन वाला सर, वो थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं उसमें. इस वाले में? यस सर, वो जो थेवेनिन वाला. यस सर. अच्छा यार सर बोल रहे हैं ना क्वेश्चन सेशन में समझा देंगे यार. केस 3 से मैं थेवेनिन वाला जो आपको क्वेश्चन आंसर सेशन में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, अभी हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं ताकि टाइम लिमिटेशन बॉदर ना करे. अच्छछा, अब हमारे पास जो वोल्टेजेस Vx कैलकुलेट होके आए वो चारों केसेस के लिए आ गए. D3 के लिए स्टार्ट से अगर आप देखें तो जो D3 के लिए आपके पास Vx कैलकुलेट होके आया था, D3 के लिए हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आया था वोल्टेज, Vx was basically equivalent to V by 2. ठीक है, ये D3 के लिए आपके पास जो है वो Vx आया था V by 2. ठीक है, और उसके बाद जो आपने नेक्स्ट केस के लिए सॉल्व किया था वो था V by 4, यानी आपके पास जो D2 के लिए सॉल्व हुआ वो V by 4 आया था. D1 के लिए जो हमने सॉल्व किया था अभी आपके सामने, that turned out to be V by 8. तो इसका मतलब है जो D0 के लिए होगा वो हो जाएगा V by 16.
यानी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो होगा, पहले से आपका वोल्टेज हाफ होता जाएगा, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट का वोल्टेज V by 2 होगा, उससे अगली वोल्टेज का V by 4 होगा, उससे अगला V by 8 and so on, लास्ट जो है वो V by 16 आ जाएगा। अब ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट होके आ गए, यानी चारों बिट्स के लिए V by 2, V by 4, V by 8 और V by 16। अगर D3 सेट होगी तो Vx पे आपका V by 2 आ रहा होगा, अगर D2 सेट होगी तो V by 4 आ रहा होगा, और अगर D1 सेट होगी तो V by 8, और अगर D0 सेट होगी तो V by 16। अब ये आपके पास ये आइडियल केस होगा कि एक टाइम पे एक बिट सेट हो, एक टाइम में एक से ज्यादा भी सेट हो सकती है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि आपका इनपुट बाइनरी सीक्वेंस क्या है, और इनपुट बाइनरी सीक्वेंस की वैल्यू चेंज हो रही होती है, तो इसलिए आपके पास अब आगे का मैकेनिज्म सेट करना जरूरी है कि अगर एक से ज्यादा बिट्स एक टाइम पे ऐड ऑन होंगी तो क्या करना होगा। तो अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा आपके पास बिट्स ऑन होंगी तो फिर हम हेल्प लेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम की। और सुपरपोजिशन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा सोर्सेस होते हैं तो हम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं और बाकी सबको हम सप्रेस कर देते हैं, और हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि अगर हमारे पास लेट से चारों बिट्स ऑन हो जाती है तो पहले एक के रेफरेंस से आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, और फिर चौथे के रेफरेंस से, और फिर हम उन सबको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पर हमारे पास इस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज फॉलोअर है, तो जब वो वोल्टेज फॉलोअर है तो दिस मीन्स जब हम सुपर पोजिशन से वी एक्स को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें सुपरपोजिशन थ्योरम से यहाँ जो आप वोल्टेज कैलकुलेट करें वो Vx है, और वो इस सर्किट की इनपुट वोल्टेज है, और जब ये वोल्टेज फॉलोअर है तो जो इसकी इनपुट वोल्टेज है वही आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगी। तो यानी जो इनपुट वोल्टेज आएगी आपके पास, दैट वुड बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट्स, यानी D3 के अगेंस्ट आपके पास क्या आ रहा होगा V by 2, D2 के अगेंस्ट V by 4, D1 के अगेंस्ट V by 8 और D0 के अगेंस्ट V by 16। This means यहाँ जो वोल्टेज आप सुपर पोजिशन से निकालेंगे that would be V by 2 plus V by 4 plus V by 8 plus V by 16, जब आप सुपर पोजिशन से ये वोल्टेज निकालेंगे, और यही वोल्टेज आपकी आगे जाके बनेगी आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज ये सर्किट वोल्टेज फॉलोअर है, इसका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास सर, जब हम D2 और D1 वगैरह पे अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर उसके अक्रॉस कैसे आएगी ये वोल्टेज? देखें, जो आप इनपुट हाई करेंगे उसी की करेस्पॉन्डिंग जो इनपुट जनरेट हो रही है वो आपके आउटपुट पे आ रही होगी। अगर चारों ऑन होंगी तो चारों के करेस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट पे आ रही होगी, अगर कोई दो ऑन होंगे तो सिर्फ दो पे आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास जो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी D3 by 2 plus D2 by 4 plus D1 by 8 plus D0 by 16, और ये मैंने किस तरह से कैलकुलेट की, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने से, ठीक है। ये जो पहली टर्म है ये कौन सी है, ये पहली टर्म है जब आपने D3 को सेट किया तो आपके पास वोल्टेज आ जाती थी V by 2। दूसरी टर्म जो है ये वो टर्म है जब आपने D2 को सेट किया तो आपके पास टर्म आ जाती थी V by 4। तीसरी टर्म D1 के करेस्पॉन्डिंग है और चौथी टर्म D0 के करेस्पॉन्डिंग है। जब आप सुपर पोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो चारों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये आपके आउटपुट वोल्टेज सर, एक टाइम में दो भी तो होंगे ना हमारे पास सेट, टाइम पे अगर दो होंगे, लेट्स से अगर आपके पास D3 और D1 एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर सिर्फ D3 by 2 वाली टर्म आएगी और D1 by 8 वाली आएगी, ठीक है। तो जो बिट्स वन होंगी सिर्फ उनकी करेस्पॉन्डिंग टर्म आपकी इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगी, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगी, या बाकी तीनों या जितनी भी आपके पास। अच्छा, अब अगर आप इस पूरी टर्म का एलसीएम कंप्यूट करें तो ये आपके पास एलसीएम आ जाता है। इस एलसीएम में से अगर मैं 1 बाय 16 जो इसका एलसीएम आ रहा है उसको कॉमन कर लूं तो ये आ जाता है 8 डी 3 प्लस 4 डी 2 प्लस 2 डी 1 प्लस डी 0, और इसको अगर मैं 2 की पावर्स में लिखो तो ये आ जाएगा 2 रिस पावर 3 डी 3 प्लस 2 रिस पावर 2 डी 2 प्लस 2 रिस पावर 1 डी 1 प्लस 2 रिस पावर 0 डी 0, यानी ये आपके पास वही टर्म बन गई जो किसी भी एक नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट करते हैं।
दिस मीन्स जो आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा होगा वो डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द इनपुट नंबर इनटू 1/16 आ रहा होगा, 1/16 आपका कांस्टेंट है तो उसको आप अल्फा लिख सकते हैं. सो दिस मीन्स योर आउटपुट वोल्टेज वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ योर इनपुट नंबर. ठीक है, तो ये आपका सर, सर जी सर इनको एक बार फिर म्यूट करें सर, आवाज सही नहीं आ रही सर, ये बीच में कुछ सर, क्या कर रहा है सर, एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन पूछें, काइंडली म्यूट योरसेल्फ. मैं लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे. यस सर. सो दिस मींस आपका जो VA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर से. बेटा क्वेश्चन आंसर सेशन का वेट करें सर. लास्ट पॉइंट सर. जी बेटा. सर उसकी शायद आवाज का प्रॉब्लम है, उसे आवाज आ नहीं रही इस वजह से. ओके, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ इन दिस लेक्चर. लेक्चर के एंड के बाद नया सेशन क्रिएट होगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, उसमें आएंगे. ठीक है. अच्छा, अब इसमें लास्ट जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जो n बिट डैक होगा उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ द kth बिट इज इक्वलेंट टू v डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर n माइनस k. इसको इस एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि लेट से अगर मैं d3 की बात कर रहा हूं कि d3 का मेरे आउटपुट वोल्टेज में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप जनरल इक्वेशन यूज करेंगे v डिवाइडेड बाय 2 रेस्ट पावर n माइनस k, वेयर k इज the subscript of your input bit, जो हमारे पास इस केस में 3 है, और n is the size of your digital input, जो कि हमारे पास 4 bit है, तो आपके पास D3 का contribution output voltage में होगा V divided by 2 raised to power n minus k, यानी 2 raised to power 4 minus 3, यानी this would be equivalent to. सर आवाज कट कट के आ रही है. ओके, अब हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए नई मीटिंग जो है वो क्रिएट करूंगा, उसमें आप क्वेश्चन आंसर सेशन और फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं. ठीक है, सो आई विल वाइंड इट अप.